कई बार हम अपनी जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि जैसे ही कुछ बुरा होता है हम गमगीन हो जाते हैं, तो जब एक लम्हे में कुछ अच्छा होता है हम खुश हो जाते हैं, हमारे हालात तेजी से बदल जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जो कुछ हुआ है वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। हम खुद नहीं जानते कि जो हमारे साथ वाकया पेश आया है उसका मुस्तकबिल में हमें क्या असर होगा। आज ये कहानी आपको मुश्किल हालात में सब्र की अहमियत सिखाएगी। एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। उसे अपने घोड़े पर बहुत ज्यादा फखर था, वो अपने घोड़े से बहुत ज्यादा प्यार करता था, जो उस किसान की कमाई का जरिया था। उसी की कमाई से किसान अपने खानदान का पेट पालता था। लेकिन एक दिन वो घोड़ा उस किसान को छोड़कर भाग गया। उसके भागने के बाद गांव के लोग और किसान के पड़ोसी उस किसान के पास आए और कहा, आपका घोड़ा जिस पर आपको बहुत ज्यादा फखर था वो आपको छोड़कर भाग गया। किसान चुप रहा। थोड़ी देर के बाद किसान ने जवाब दिया, हाँ आप सही कह रहे हैं, जो मेरे साथ हुआ है। कुछ दिन के बाद वो घोड़ा वापस आ गया, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ दो और घोड़े भी थे। उसके पड़ोसियों ने जब देखा वो किसान के पास है, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है, साथ दो घोड़े भी लाया है, और ये तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। किसान बहुत खुश हुआ और बड़ी सादगी से जवाब दिया, हाँ शायद। कुछ दिनों के बाद किसान का बेटा उन्हीं घोड़ों में से एक घोड़े पर सफर कर रहा था। वो अचानक जमीन पर गिर गया और उसकी टांग टूट गई। उसी गांव के पड़ोसी किसान के पास आए और कहा, देखो इस पागल घोड़े की वजह से आपके बेटे की टांग टूट गई है, ये तो बहुत बुरी बात है। अगले दिन कुछ फौजी नौजवान जो उसी गांव में आए, जंग के शुरू होने की वजह से वो नए सिपाही भर्ती कर रहे थे। फौजियों ने किसान के बेटे को देखा और कहा कि इसकी टांग टूट गई है, हम इन्हें फौज में नहीं भर्ती कर सकते। फौजी उस गांव के तमाम लड़कों को साथ ले गए। ये सुनकर पड़ोसी और सब गांव वाले उसके पास आए और कहा, फौजी तुम्हारे बेटे को जंग के लिए नहीं ले गए, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। किसान ने धीमी आवाज में कहा, हाँ शायद। ये कहानी हमें मुतासिर करती है कि हम चीजों को नेगेटिव अंदाज में सोचते हैं, कोई वक्त नहीं लगाते। जब भी कोई चीज हमें जेब नहीं देती तो हम उसका बुरा सोचते हैं। लेकिन सच ये है कि कोई नहीं जानता कि हमारे साथ अच्छा हुआ है या बुरा। इस कहानी में किसान के जज्बात में तब्दीली हालात की वजह से। बुरे हालात में हम नेगेटिव हो जाते हैं और अच्छे हालात में हम पॉजिटिव हो जाते हैं। इन पॉजिटिव और नेगेटिव हालात के दरमियान सब्र करना बहुत ज़रूरी है। हमारे बुजुर्गों ने ठीक कहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये छोटी सी लाइन हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। हमेशा कोशिश करें कि जिंदगी की राह में आगे बढ़ते रहें। कुछ नया सोचो, कुछ नया सीखो और कुछ नया करो। चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ, चेंज योर माइंड।